आज हम टेम्परेचर सेंसर का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए हम LM35 टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। यह टेम्परेचर सेंसर एक ट्रांजिस्टर की तरह ही दिखता है। इसके ऊपर लिखे हुए अक्षर पढ़ने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना होगा। 3 पिनों वाले इस सेंसर का एक हिस्सा राउंडेड होता है और एक हिस्सा समतल होता है। समतल वाले हिस्से से अगर आप इसको अपने सामने रखोगे तो लेफ्ट से इसके जो पिन हैं उनके कनेक्शंस इस प्रकार दिए जाते हैं, 5 वोल्ट सिग्नल और ग्राउंड। जब हम इस सेंसर को उसके पैकेट से निकालते हैं तब उसकी पिनें काफ़ी नज़दीक नज़दीक होती हैं और उस पोजीशन में आप उसे ब्रेडबोर्ड पर नहीं फिक्स कर सकते। ब्रेडबोर्ड पर फिक्स करने के लिए आपको इन पिनों को थोड़ा सा अलग अलग करके खींचना पड़ेगा। तो ब्रेडबोर्ड के जो होल्स हैं उनमें इन्हें फिक्स करने के लिए जितना ज़रूरी हो उतने साइड वाली दोनों पिनें हल्के से खींच लें। यह सेंसर एम्बिएंट टेम्परेचर को रीड कर सकता है। हर एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए 10 मिलीवोल्ट का सप्लाई हमें इसके बीच वाले पिन से यानी के सिग्नल वाले पिन से मिलता है। तो इसके सिग्नल वाले पिन से मिलने वाले वोल्टेज को गिनकर हम टेम्परेचर की गणना कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर लें और आर्डिनो के पावर के पिनों में से 5 वोल्ट और ग्राउंड के जो पिन हैं वहाँ से एक एक वायर जोड़कर टेम्परेचर सेंसर के 5 वोल्ट और ग्राउंड के पिन को इसको कनेक्ट कर लें। टेम्परेचर सेंसर का जो सेंटर का पिन है वहाँ से एक वायर जोड़ लें और इसे आर्डिनो के एनालॉग पिन नंबर 0 यानी A0 से कनेक्ट कर लें। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें केवल इतनी ही वायरिंग करनी है। अब आर्डिनो के बोर्ड को USB केबल से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें और आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ओपन कर लें। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम जो प्रोग्राम यूज़ करेंगे उसका नाम है temperaturesensor.ino। ये प्रोग्राम आप नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी भी आपको नीचे दिए गए आर्टिकल में पढ़ने को मिलेगी। तो ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसको आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में ओपन कर लें। प्रोग्राम ओपन होने के बाद ऊपर दिखने वाले आइकॉन से पहले आइकॉन पर क्लिक कीजिए। यह वेरीफाई का आइकॉन है। इस पर क्लिक करने पर आपको नीचे एक प्रोग्रेस बार दिखाई देगा और कंपाइलिंग ऐसे मैसेज दिखाई देगा। यह पूरा होने पर डन कंपाइलिंग ये मैसेज आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद ऊपर वाले आइकॉन में से दूसरे नंबर पे आइकॉन पर क्लिक कीजिए। यह अपलोड का आइकॉन है। इसे क्लिक करने पर यह प्रोग्राम आर्डिनो के बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड हो जाएगा। अपलोड पूरा होने पर आपको डन अपलोडिंग ऐसे मैसेज दिखाई देगा। स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में एक छोटा सा आइकॉन आपको दिखाई देगा। उस पर माउस पॉइंटर ले जाने पर सीरियल मॉनिटर ऐसे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। अपलोड पूरा होने पर सीरियल मॉनिटर के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तब एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें वोल्टेज डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट इस टाइटल के सामने कुछ वैल्यूज़ दिखाई देंगी। ये वैल्यूज़ टेम्परेचर सेंसर के सिग्नल पिन से जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमको दिखाई देता है और फिर उसको कन्वर्ट करके हम टेम्परेचर भी जान सकते हैं। तो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है और साथ ही डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये जो करंट रीडिंग है एम्बिएंट टेम्परेचर की यानी कि आपके कमरे में इस समय जो टेम्परेचर है वो ये टेम्परेचर सेंसर रीड करता है और उसे उसके सेंसर वाले पिन से हम आर्डिनो के एनालॉग पिन A0 से रीड करते हैं और फिर हम उसे स्क्रीन पर कंप्यूटर में डिस्प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से यह एक्सपेरिमेंट है। तो आज का ये एक्सपेरिमेंट यहीं पूरा होता है। अगले वीडियो में हम एक और एक्सपेरिमेंट की जानकारी लेंगे।